यस गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, डिवाइन पब्लिक स्कूल। यस आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर वन ईवीएस। क्या लेसन नंबर वन ईवीएस? आवर बॉडी, यू आर आवर, यू आर आवर बी ओ डी वाई बॉडी, हमारा शरीर। आवर मीन्स हमारा, बॉडी मीन्स शरीर, जो हमारा शरीर है उसके बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, यस डियर चिल्ड्रन, प्रिय बच्चों, यू नो दैट आवर बॉडी हैज वेरियस पार्ट्स। आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। यू नो दैट आवर बॉडी हैज वेरियस पार्ट्स। एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी हेल्प अस टू परफॉर्म सम स्पेशल पर्टिकुलर फंक्शन। जो भी हमारे शरीर का एक एक भाग है, एवरी पार्ट मतलब हर एक पार्ट जो है हमारे शरीर का, वो हमारी मदद करता है, हेल्प करता है परफॉर्म, हमको मतलब परफॉर्म करता है, मतलब एक्टिव रहता है। जैसे आज मेरा हैंड है, ये अगर मैं वन हैंड हो मेरे पास तो मैं वर्क कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। लेग है, आईज है, सब अपने अपना काम करते हैं। अगर आपके पास टू आईज है और वन आईज आपकी डैमेज हो जाती है, तो आप वर्क कर पाओगे, प्रॉपर देख पाओगे, आप नहीं देख पाओगे। ओके यस, सम स्पेशल पर्टिकुलर फंक्शन, सब अपने अपना पार्ट का अलग अलग फंक्शन होता है। पैर लेग का काम लेग करता है, हैंड का काम हैंड करता है, और आईज का काम आईज करती है। ऐसा तो नहीं है कि हमारी वन आईज खराब हो गई तो हम आईज का काम हैंड से कर लेंगे, और हैंड खराब हो गया तो हैंड का काम आईज से कर लेंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो हर एक बॉडी पार्ट का हमारा अपना अपना काम होता है। द ह्यूमन बॉडी इज जस्ट लाइक अ मशीन। जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, जो हमारा शरीर है, वो एक तरीके का जस्ट लाइक अ मशीन, मशीन की तरह काम करता है। हम पूरे दिन काम कर सकते हैं, रेस्ट भी करते हैं। आज कंप्यूटर एक मशीन है, क्या है, कंप्यूटर भी एक मशीन है। तो जब तक उसकी पावर रहती है, जब तक उसकी हिम्मत रहती है, जब तक उसमें लाइट रहती है, तो वो काम करता है। ऐसे ही हमारे अंदर होता है, हमारे अंदर जब तक एनर्जी होती है, जब तक हम थकते नहीं है, जब तक हम आराम नहीं लेते हैं, जब तक हम काम करते रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, द ह्यूमन बॉडी इज जस्ट लाइक अ मशीन। हमारा शरीर भी एक किसकी जैसे होता है, मशीन के जैसे होता है। किसके जैसे होता है, मशीन के जैसे होता है। इफ यू रिमूव एनी पार्ट ऑफ अ मशीन इट विल नॉट वर्क प्रॉपरली। जिस तरीके से आप अपने मशीन का कोई भी पार्ट अगर खराब हो जाता है, तो आप प्रॉपर काम कर सकते हैं, मशीन काम करना बंद हो जाती है। इसी तरीके से अगर हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट खराब हो जाता है, तो हम प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं। अगर आप सपोज करिए कि आपके आज ना लैग में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आप सही से चल नहीं पाएंगे ना, नहीं चल पाएंगे, खेल नहीं पाएंगे, दौड़ नहीं पाएंगे, भाग नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। और अगर आपके सारा बॉडी पार्ट सही है, तो आप सारा वर्क अपना अच्छी तरीके से कर पाएंगे। इफ यू रिमूव एनी पार्ट ऑफ अ मशीन, मतलब हमारी जो भी मशीन का पार्ट है, अगर वो रिमूव हो जाता है, निकल जाता है, कोई भी पार्ट खराब हो जाता है, तो वो मशीन काम करना बंद कर देती है। आपने देखा होगा कि कई तरीके की इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स होती हैं, हमारे घरों में भी होती हैं, स्कूल में भी है, आपके ऑफिसों में भी होती हैं, सब जगह होती हैं। कंप्यूटर होता है, या कोई फैन होते हैं, एसी होते हैं। अगर आपके फैन में अगर वायर निकल जाए, तो वो फैन काम करेगा, नहीं करेगा, है ना। आपके मोबाइल है, मोबाइल में अगर आपकी बैटरी खत्म हो जाए, बैटरी खराब हो जाए, तो मोबाइल काम करेगा आपका, नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर हमारी बॉडी का पार्ट भी मशीन की तरह होता है, अगर हमारे लिए कोई भी अगर पार्ट खराब हो जाता है हमारी बॉडी का, तो हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं करती है। सिमिलरली उसी तरह, इफ यू आर आवर बॉडी लॉसेस एनी ऑफ इट्स पार्ट्स, इसी तरीके से इफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी लॉसेस एनी ऑफ इट्स पार्ट्स, अगर कोई
कोई भी पार्ट लॉस हो जाता है, खराब हो जाता है, इट विल बी अनेबल टू वर्क, तो हम हमारा काम नहीं कर पाते हैं सही से, प्रॉपरली। प्रॉपरली मीन्स पूर्णतः, सही तरीके से। प्रॉपरली मीन्स पूर्णतः। Therefore, we can come to conclusion that, आइए हम अपना conclusion देखते हैं, मतलब देखते हैं कि कौन कौन से body हमारे किस तरीके से काम करते हैं। Every part of our body performs some special function. हर एक अपना अपना body part का अलग अलग function होता है, special function होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि eyes का काम eyes करती है, leg का काम leg करता है, और hand का काम हैंड करता है, तो वो क्या होते हैं, स्पेशल फंक्शन। हैंड का काम लैग नहीं कर सकता, और लैग का काम हैंड नहीं कर सकता आपका। ऑल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी जॉइंट ईच अदर एंड हेल्प द बॉडी इन द इन वर्क प्रॉपरली। अगर आपका हर एक पार्ट बॉडी का सही होता है, तो आपकी बॉडी हर तरीके से सही होती है अगर, तो आप अपना काम प्रॉपरली पूर्णतः अच्छी तरीके से कर सकते हैं। यू नो दैट, आप जानते हैं, यू हियर विथ योर ईयर्स, हियर मीन सुनना, किससे सुनते हैं, अपने ईयर से। ईयर्स का काम क्या होता है, सुनने का। क्या होता है बच्चों, सुनने का। ईयर्स का काम क्या होता है, सुनने का। यू सी विथ अवर आईज, आईज का काम क्या होता है बच्चों, देखने का। क्या होता है, देखने का। हम आ रहे हैं, अगर आईज डैमेज हो जाती है तो हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते ना, तो यू सी विद अवर आईज, हम अपनी आंखों से देखते हैं। यू स्मेल विद द हेल्प ऑफ अवर नोज, और नोज से क्या करते हैं, हम हमारी जो नोज है वो किस काम आती है, स्मेल लेने के, खुशबू आती है, बदबू आती है। अरे मैडम स्मेल आ रही है क्लास में, तो कैसे आती है वो, नोज से ही तो आती है ना। अरे मैम आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है क्लास में, क्या पता क्या हो गया, कोई डीओ लगा के आया है, बोलते थे ना मैम से ऐसे, तो वो किससे आती है, आपकी नोज से। नोज का काम क्या होता है, स्मेल लेने का। क्या होता है, स्मेल लेने का। यू टेस्ट विद द हेल्प ऑफ अवर टंग, और टंग जो होती है जीव, टंग मीन्स जीव, वो क्या करती है, हमारी जीव टेस्ट का काम करती है। आज तो मम्मी ने मिर्ची ज्यादा डाल दी, आज तो मम्मा ने नमक ही नहीं डाला सब्जी में, तो वो किससे पता चलता है, हमारी टंग से। अगर टंग हमारी डैमेज हो जाएगी, टंग खराब हो जाएगी, तो हमको कैसे पता चलेगा कि टेस्ट क्या है सब्जी में। मम्मा ने जो भी टिफिन में रखा वो हमने खा लिया, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि हमने क्या खाया और कैसे खाया, क्योंकि हमारी टेस्ट नहीं है, टंग खराब है, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। You feel things with the help of our skin. Skin क्या करवाती है हमको, feel करवाती है, महसूस करवाती है। Skin means त्वचा। ये हमारी जो skin होती है ना, ये skin जो होती है जिसको हम touch करते हैं, तो ये पता चलता है, अरे वो मच्छर खा गया था, मच्छर ने हमको हमारे खुजली कर दी, तो वो feel होता है ना। हमको कोई allergy हो जाती है, कोई skin disease हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, तो वो हमें किससे पता चलती है, किसे फील आता है आपको, स्किन पे फीलिंग आती है ऐसी। आईज, ईयर्स, नोज, टंग्स एंड स्किन्स आर नो एज द सेंस ऑर्गन्स। ये सारे क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फाइव सेंस ऑर्गन्स आपने फर्स्ट क्लास में भी पढ़े होंगे। कौन कौन से होते हैं, आईज, नोज, ईयर, टंग और स्किन। ये होती है ना हमारे ऊपर की, उसको बोलते हैं स्किन। यू होल्ड थिंग्स विद द हेल्प ऑफ अवर हैंड, और हैंड से क्या काम करते हैं हमारे, पकड़ने के। मैम ने बुक कैसे पकड़ रखी है, हैंड के थ्रू ही पकड़ रखी है ना मैम ने, कैसे पकड़ रखी है। अगर मैम का हैंड डैमेज हो जाए तो मैम बुक को होल्ड कैसे करेगी, पकड़ेगी कैसे मैम, नहीं पकड़ पाएगी है ना। यू मूव विद द हेल्प ऑफ अवर लेग्स, और हम चलते किसके थ्रू है, किसके थ्रू है, हम लेग्स के थ्रू, किसके लेग्स। अगर हमारे पैर खराब हो जाते हैं, अगर हमारे लेग्स खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो हम किससे चलेंगे, नहीं चल पाएंगे ना बच्चों, तो लेग्स, मूव विद द हेल्प ऑफ अवर लेग्स। यू ईट एंड स्पीक, यू ईट एंड स्पीक विद द हेल्प ऑफ अवर माउथ,
हम हमारे मुंह से, माउथ मीन्स मुंह, क्या क्या करते हैं उससे हम बोलते हैं और खाते हैं, खाने का भी काम करता है मुंह, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं और अच्छा अच्छा बोलते हैं, पढ़ते हैं, ये लर्न करते हैं, मैम ओरल कराती हैं, क्लास में ओरल होता है ना आपके, तो वो किससे होता है, स्पीक करने के काम माउथ से, किससे होता है, माउथ से, ये होता है ना मुंह, अगर ये खराब हो जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा आपका, नहीं चलेगा ना जो। ओके स्टूडेंट्स, आपको आई बात समझ में, हमारी बॉडी का पार्ट्स होता है, ठीक है, अगर एक भी पार्ट्स अगर हमारी बॉडी का खराब हो जाता है तो हम वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, हमारी मशीन खराब हो जाएगी। ओके, आई बात समझ में आपके। अब आप देखिए वर्ड मीनिंग, इसके वर्ड मीनिंग क्या है, वर्ड मीनिंग क्या है, हमारा लेसन का नाम क्या है, आवर बॉडी, ओ यू आर आवर, आवर मीन्स हमारा, बी ओ डी वाई बॉडी, आवर बॉडी, बॉडी मीन शरीर। ओके, आप फर्स्ट क्लास में लिखते हैं वर्ड मीनिंग, लिखते थे ना ऐसे, ये देखिए सबसे पहले है आपको बॉडी, बी ओ डी वाई बॉडी, बॉडी मीन्स होता है शरीर, बॉडी मीन्स होती है हमारा शरीर, क्या होता है, बी ओ डी वाई बॉडी, बॉडी मीन शरीर, पी ए आर टी पार्ट, पार्ट मीन्स हिस्सा, हर एक शरीर का हिस्सा होता है ना, पैर अलग होते हैं, नाक अलग होती है, कान अलग होते हैं, हाथ अलग होते हैं ना हमारे, तो वो क्या होता है, हिस्सा, हिंदी में क्या बोलते हैं, हिस्सा, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, पार्ट, पी ए आर टी पार्ट, टी ए एस टी ई टेस्ट, टेस्ट किसके थ्रू आता है, हमको किससे लेते हैं हम टेस्ट, टंग से, किसे लेते हैं बच्चों, टंग से, तो स्वाद, टंग टेस्ट मीन स्वाद, टेस्ट आता है ना हमको, तो हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वाद, कि मम्मा आज तो नमक ही नहीं डाला आपने, ओ मम्मा आज तो मिर्ची ज्यादा करती है ना, तो ये किससे पता चलता है हमें, टेस्ट से। एफ डब्ल्यू एफ फील, फील मीन्स होता है महसूस करना, फील मीन्स महसूस करना। ओके, हमें जो आपको पता है डॉक्टर सुई लगाता है तो वो लगती थोड़ी ना, दिखती थोड़ी ना हमको कि कहाँ लगी है, लेकिन हमें क्या होती है, फील होता है, महसूस होता है, चींटी काटती है ऐसा लगता है कि डॉक्टर ने चींटी काटी है, हमको लगता है ना, अपने सुई लगवाई होगी, बड़े बड़े इंजेक्शन, जब आपके फीवर आ जाता है तो आपके मम्मी पापा आपको कहाँ ले जाते हैं, डॉक्टर के ले जाते हैं और आपको सुई लगवा देते हैं, इंजेक्शन लगवा देते हैं, तो वो क्या होता है, हमको फील होता है, एफ डब्ल्यू एफ फील, फील मीन्स महसूस करना। यस, नेक्स्ट देखिए एस एम ई डबल एफ स्मेल, स्मेल मीन्स होता है सूंघना, तो वो किसके थ्रू करते हैं हम, अपनी नोज के थ्रू, स्मेल मीन्स सूंघना। एस के आई एन स्किन, स्किन मीन्स होता है त्वचा, स्किन मीन्स होता है त्वचा, क्या होता है, त्वचा। एच ओ एल डी होल्ड, होल्ड मीन्स पकड़ना, होल्ड, हम कोई चीज पकड़ते हैं, जैसे मैम ने ये मार्कर पकड़ रखा है तो किसके थ्रू पकड़ रखा है, अपने हैंड के थ्रू, किसके थ्रू पकड़ रखा है, हैंड के। अब ये मार्कर में पैरों से थोड़ा ना पकड़ सकती हूँ, अपने लैग में रख सकती हूँ, इसको कैच कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। टी ओ एन जी यू ई टंग, टी ओ एन जी यू ई टंग, टंग मीन्स जी, जिससे हम क्या लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, टेस्ट। यस, एस पी ई ए के स्पीक, स्पीक मीन्स होता है बोलना, एस पी ई ए के स्पीक मीन्स बोलना। ई ए टी ईट, ईट मीन्स खाना, ईट मीन्स खाना, ये वर्ड मीनिंग आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करोगे। ओके स्टूडेंट्स, ईवीएस की नोटबुक में राइट डाउन करोगे, आगे बात समझ में। अब आपको हम कराएंगे क्वेश्चन आंसर्स, क्या कराएंगे बच्चों, क्वेश्चन आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन आंसर, लेसन नंबर वन के क्वेश्चन आंसर। ओके स्टूडेंट, ओके, यस, अब आप करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन आंसर। अभी आपने करा था वर्ड मीनिंग, क्या करा था, वर्ड मीनिंग, ठीक है, अब आप करेंगे लेसन नंबर वन की क्वेश्चन आंसर्स। ओके,
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट एनी फाइव पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी. हमारी बॉडी के फाइव पार्ट्स लिखने हैं. कौन कोई भी पार्ट्स लिख सकते हैं हम. क्या है? डब्ल्यू आर आई टी ई राइट, ए एन वाई एनी एफ आई वी ई फाइव, पी ए आर टी एस पार्ट्स, ओ एफ ऑफ ओ यू आर आवर, बी ओ डी वाई बॉडी. हमारे शरीर के फाइव बॉडी पार्ट्स नेम हमें लिखने हैं. कौन कौन से हो गए फाइव बॉडी पार्ट्स? आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन. ओके स्टूडेंट्स, कौन कौन से हो गए? आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन, फाइव हो गए ना. यस. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई शुड, डब्ल्यू एच वाई व्हाई, एस एच यू आर डी शुड, व्हाई आर यू यू, टी ए के ई टेक, टी आर ओ पी ई आर प्रॉपर, सी ए आर ई केयर, ओ एफ ऑफ टी एच ई द, पी ए आर टी एस पार्ट, ओ एफ ऑफ ओ यू आर आवर, बी ओ डी वाई बॉडी. Why should you take proper care of the parts of our body? हमें हमारी बॉडी की प्रॉपर केयर क्यों करनी चाहिए? ऐसा नहीं होता ना, हम हमारे हाथों को संभाल के भाई भागते हैं तो देख के भागते हैं कि ऐसा नहीं हो पैर मोच जाए, हार्ट टूट जाए, गिर जाए. तो इन सारी चीजों से हम बच के रहते हैं ना. क्यों रहते हैं? बिकॉज इट कैन वर्क प्रॉपरली. क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, B E C A U S E, because, I T it, C A N can, W R के work, P R O P E R Y properly, it, because it can work properly, क्योंकि हमें हमारा काम proper करना है, इसलिए हम अपनी body को proper care भी देते हैं. Yes. Now question number third. Write any two things. ऐसी दो चीजें. Write any two things means ऐसी दो चीजें that you do with the help of our mouth. जिससे ऐसी दो चीजों के नाम जो हमारे mouth मुंह से काम आती हैं. क्या क्या काम आता है? Eat. एक तो हमारे खाने के काम आता है and speak. S P E A K speak. Speak means बोलना. खाने के और बोलने के काम आता है क्या? माउथ. देखिए वापस से देखिए, डब्ल्यू आर आई टी ई राइट, राइट मीन्स लिखना, ए एन वाई एन ई कोई भी, टी डब्ल्यू और टू दो, टी एच आई एन जी एस थिंग्स, थिंग्स मीन्स चीजें, दैट टी एच ए टी दैट, वाई ओ यू यू डी ओ टू, डब्ल्यू आई टी ए विथ, विथ मीन्स साथ में, टी एच ई द, H E L P help, O F of O U R our, M O U T H mouth. Write any two things that you do with the help of our mouth. Eat and speak. क्या काम आता है? Eat, खाने के और बोलने के. मुंह क्या काम आता है? हमारे खाने के और बोलने के. Yes. Now question number four. Write any two things that you do with the help of our hand. और हैंड क्या काम आते हैं हमारे? इसमें भी वही क्वेश्चन है, टू थिंग्स लिखनी है इसकी जो हमारे हाथों से हम काम में लेते हैं. तो क्या क्या है? राइट एंड होल्ड थिंग्स, डब्ल्यू आर आई टी ई राइट, राइट मीन्स लिखना. भाई हम लिखते किससे? हमारे हाथों से. किसे लिखते हैं हम? हमारे हाथों से. एंड ई एंड, एंड मीन्स होल, एच ओ एल डी होल्ड, होल्ड मीन्स बताया था मैंने आपको पकड़ना. क्या होता है? होल्ड मीन्स पकड़ना. टी एच आई एन डी एस थिंग्स, थिंग्स मीन्स चीजें, चीजों को पकड़ने के और लिखने के काम आता है क्या? हमारा हाथ. ओके स्टूडेंट्स, यस. नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव. क्वेश्चन नंबर फाइव, यस, क्वेश्चन नंबर फाइव है आपका. कैन यू कंपेयर अवर बॉडी विद अ मशीन? क्या आप अपनी बॉडी को मशीन से कंपेयर कर सकते हैं?
can, C A N can, Y O U U, C O M P A R E, compare, C O M P A R E, compare, O U R, hour, B O D Y, body, W I T H, with a machine, M A C H I N E, machine. क्या हम हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को किसी भी मशीन से कंपेयर कर सकते हैं? यस भाई, जितना काम हम हमारी मशीन से कर सकते हैं उतना हम हमारी बॉडी से भी करते हैं। आपको पता है ना कितनी मेहनत करते हैं अपन, है ना? तो क्या है आंसर? यस। ओके स्टूडेंट्स, यस नाउ फिल इन, बुक फिल करेंगे अब हम हमारी। देखिए ए वाला ऑप्शन है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्या है? टिक द करेक्ट ऑप्शंस। ओके स्टूडेंट्स, ए वाला ऑप्शन देखिए आप, आपका है ह्यूमन बॉडी इज लाइक अ, हमारा जो शरीर है वो किसके जैसा है? करेक्ट ऑप्शन। ओके, हमारा जो शरीर है वो किसके जैसा है? मशीन, टॉय, फ्रेम या स्केलेटन? तो फर्स्ट वाले में क्या फिल करेंगे आप? मशीन। क्या फिल करेंगे? मशीन, एम ए सी एच आई एन ई, मशीन। ये मशीन लिखा हुआ है ना, उसके आगे आपको ऐसे टिक लगा लेना है। ठीक है, क्या आएगा फर्स्ट में? ह्यूमन बॉडी इज लाइक अ मशीन, ह्यूमन ह्यूमन बॉडी इज लाइक अ मशीन। सेकेंड वाला देखिए, विच आर अवर सेंस ऑर्गन्स, क्या हमारे सेंस ऑर्गन है ये सब? आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन एंड ऑल, ये सब क्या है? हमारे सेंस ऑर्गन है। क्या है हमारे सेंस ऑर्गन है? तो क्या आएगा? ऑल। ऑल के आगे आपको टिक लगा लेना है। ठीक है बच्चों, थर्ड वाला देखिए, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसमें से क्या गलत है आपका? वी हियर विद अवर ईयर्स, क्या हम कानों से सुनते हैं? वी सी विद अवर आईज, हम अपनी आंखों से देखते हैं। वी स्मेल विद अवर नोज, हम हमारी नाक से सूंघते हैं। वी डू नॉट टेस्ट विद द हेल्प ऑफ अवर टंग, और हम हमारी टंग से टेस्ट नहीं करते, इसमें तो गलत कौन सा है? वी डू नॉट टेस्ट विद द हेल्प ऑफ अवर टंग, वी डू नॉट टेस्ट, क्या हम हमारी टंग से टेस्ट नहीं लेते? वी डू नॉट, नॉट मीन्स नहीं लेना, विद द हेल्प ऑफ अवर टंग, ऑफ अवर टंग। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका? रॉन्ग है ना, तो इसके आगे आपको टिक लगा देना है। क्या कर देना है? टिक लगा देना है। नाउ फोर्थ वाला देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अवर आईज, आईज का क्या काम होता है? हियरिंग, सुनने का, सीइंग, देखने का, स्मेलिंग, सूंघने का, या फीलिंग, महसूस करने का। आई से क्या करते हैं हम? सी, देखते हैं। एस डबल ई आई एन जी, सी मीन्स देखना। ठीक है बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अवर स्किन, स्किन का क्या फंक्शन होता है? फीलिंग, महसूस करना। एफ डबल ई एल आई एन जी, फीलिंग। ओके, ये आपको बुक में ही फिल करना है, ये आपको नोटबुक में नहीं करनी है, नोटबुक में आपको वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर ही फिल करना है। और जो बुक वर्क के फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है और टिक द करेक्ट ऑप्शन है, ये आपको बुक में ही फिल करने हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स।